उत्कृष्टता का कोई लेवल नहीं है, स्काई इज नॉट द लिमिट, इस सोच के हमारी माननीय कुलपति महोदया, मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल मैडम को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे अतिथियों का स्वागत एवं विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल। धन्यवाद प्रोफेसर एस सी पुरोहित जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई डोंट नो, आई बिकम स्पीचलेस। ये इतना स्वर्णिम अध्याय दून विश्वविद्यालय के इतिहास में जुड़ने जा रहा है कि बहुत बड़ा गौरव का क्षण मेरे लिए है। आई एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली आई फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड इन वेलकमिंग आर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, द यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया। ही स्पेयर्ड हिज वैल्युएबल टाइम, ही सपोर्टेड अस अनकंडीशनली। बहुत बिजी शेड्यूल में बीच में एक जाके हमने अपना शेड्यूल रख लिया और आपने जो भारत सरकार ने हमें डेट दी 2 तारीख, उसमें अपने शेड्यूल को रीएडजस्ट किया। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं हृदय की गहराइयों से इस डॉक्टर नित्यानंद सभागार में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इससे बड़ा क्षण कोई हो नहीं सकता कि डॉक्टर नित्यानंद शोध केंद्र की स्थापना हो और भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त भारतीय महिला वैज्ञानिकों में उत्कृष्टता, वैज्ञानिकता और अगर वो कहीं मार्जिन में हैं उनको किसी केंद्र में लाकर उनकी फाइनेंशियल उनको सपोर्ट किया जाए, ऐसी प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। और 2 दिन तक लगातार डॉक्टर नित्यानंद जी इस हिमालय ऋषि का ये बड़ा देवतुल्य योग है कि हम 2 दिन तक केवल और केवल शोध पे बात करेंगे, जिसका विजन उनका था, केवल इस बात पे बात करेंगे कि शोध और विज्ञान समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। इससे बड़ा संयोग कोई हो नहीं सकता। इसलिए प्रोफेसर संदीप वर्मा जी जो सर्व डीएसटी के सचिव हैं वो हमारे बीच में हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर मित्रा हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर से। आप यहाँ आए, एक पूरा सत्र आप संबोधित करेंगे, रिसर्च कैसे करनी है, फंड अगर रेज करने हैं तो कैसे करने, और तमाम हमारी महिला वैज्ञानिक यहाँ पे बैठी हैं, सबका आप सपोर्ट करेंगे। पूरा ये इनफॉर्मल सेशन ज़्यादा हैं हमारे, 2 दिन तक सबको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। प्रोफेसर मित्रा, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन यहाँ पर करती हूँ। डॉक्टर बोनिका अग्रवाल हमारे साथ हैं, डीएसटी के हैं, बहुत ही इनर्जेटिक हैं, अभी छोटी उम्र है लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ है। आपने इन दोनों प्रोग्राम को मिलाने में जो हमें सपोर्ट किया, जो हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको ठीक किया, और आपने कहा दोनों बातें एक ही हैं, सब जगह शोध की बात होनी चाहिए, रिसर्च की बात होनी चाहिए। आपका मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डीएसटी से जितने लोग पधारे हैं, शिव नडार यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हमारे बीच में हैं, हम अनन्या मुखर्जी जी हमारे बीच में, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ओपीएस नेगी जी हैं, हमारी फाइनेंस कंट्रोलर डीएसटी की हमारे बीच में हैं। ट्रांसलेशनल रिसर्च पे यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निकल सेशन रखा गया है कि ये मैं अपनी तमाम महिला, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सारे लोगों की सोच क्या है। सोच केवल एक है कि जो शोध समाज के काम नहीं आता उस शोध का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। ये ट्रांसलेशनल रिसर्च है जिस पे डीएसटी का फोकस है, जिस पे सारे लोगों का फोकस है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अभिनंदन एक बार फिर। सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड के सचिव डॉक्टर प्रोफेसर संदीप वर्मा जी उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि सबसे पहले संक्षेप में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, तो संक्षेप में अपनी बात रखेंगे, फिर विस्तार से हम लोग टेक्निकल सत्र जो 8 तकनीकी सत्र हैं उनमें चर्चा करेंगे। प्रोफेसर संदीप वर्मा जी नमस्कार, धन्यवाद। देवभूमि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मंच पे उपस्थित गणमान्य अतिथि,
माननीय कुलपति महोदया दून यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सुरेखा डांगवाल जी, एस्टीम्ड गेस्ट स्पीकर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड फैकल्टी एंड स्टूडेंट ऑफ दून यूनिवर्सिटी, मैं डॉक्टर नित्यानंद जी को नमन के साथ आप सभी का SERB, DST और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आज आपने अपना समय निकाल के हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का जो महिला वैज्ञानिकों के लिए 2 दिवस का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसमें आने के लिए आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा आपको SERB के बारे में बताना चाहूँगा। SERB एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी और इस समय इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट R&D फंडिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, जो कि क्लोज टू 1.6 लाख 160,000 लोगों को हम सपोर्ट करते हैं साइंस और इंजीनियरिंग के लिए। ये हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इन तक हमारे कार्यक्रम पहुंचते हैं और इनके शोध के लिए, इनके आइडियाज़ के लिए हम फंड प्रोवाइड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। ये जो महिला स्पेसिफिक प्रोग्राम हमने यहाँ पर करने का प्रयास किया और जो हम करने जा रहे हैं कुलपति महोदय की सपोर्ट के थ्रू, आपको हम ये बताना चाहेंगे कि इस समय 28% जो स्टेम की वर्कफोर्स है वो महिला, वो वहाँ पर महिलाएं हैं और इंडिया में इसका नंबर थोड़ा सा अलग है। करीब 14% वीमेन साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं R&D इंस्टीट्यूशंस में, जो कि निश एरिया में काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप डिसरप्टिव एरियाज़ देखें, अगर आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन क्षेत्र में देखें जहां साइंस हो रही है और रिसर्च हो रहा है, वहां पर महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। और इसी वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक स्वप्न रहा है कि महिला सशक्तिकरण और हर व्यक्ति तक साइंस और इंजीनियरिंग का टेंपर पहुँचे, हर व्यक्ति को लगे कि वो साइंस और इंजीनियरिंग के थ्रू कनेक्टेड है, इस वजह से हमने साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की तरफ से एक नई स्कीम लॉन्च की, उसका नाम सर्व पावर है। पावर का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूँ, इट स्टैंड्स फॉर प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इसमें हमने कई लेवल्स बनाए जहाँ पे हमने ये हमारे अनुभव से हमने ये प्रयास किया है कि जो महिला वैज्ञानिक हैं उनको अपने लेवल पे कंपटीशन करने का अवसर दिया जाए। जो Tier 1 इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ की महिलाएं आपस में कम्पीट करें और जो Tier 2 इंस्टीट्यूशंस की महिलाएं हैं, कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, वो अपने लेवल पे कम्पीट करें। और आपको जान के अत्यंत हर्ष होगा कि जो हमारे पहले 2 साल के कॉल थे उसमें 3,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आई, शोध के आइडियाज़ आए, शोध के विषय हर एरिया में, करीब करीब 17 विभिन्न विषयों पर हमारी महिला वैज्ञानिकों ने अपने आइडियाज़ SERB को भेजे। और आपको ये नंबर जान के खुशी होगा, नंबर बेटर हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको आगे ज़्यादा फंड लेकर आएंगे तो हम ज़्यादा महिलाओं को सपोर्ट कर सकते हैं। बट एट द मोमेंट 350 प्रोजेक्ट और 50 फेलोशिप्स लास्ट 2 साल में हमने सपोर्ट किया है। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले कल में, आने वाले समय में ये जो हमारी फंडिंग है स्पेसिफिकली फॉर वीमेन रिसर्चर्स, ये बढ़े और सो दैट वी आर एबल टू ब्रिंग देम टू मेन स्ट्रीम और उनको ये अनुभव हो कि उनका जो कंट्रीब्यूशंस हैं दैट इज़ मूविंग अहेड इंडियाज़ रिसर्च एंड डिवेलपमेंट एंड इनोवेशन इन द राइट डायरेक्शन। और जब हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं, हम लोग को स्पेसिफिक आइडियाज़ दिए गए हैं कि आज से 25 साल के दौरान हम लोगों को इस प्रकार का एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है जहाँ पर हर व्यक्ति को लगे कि उसके आइडियाज़, उसके पैटर्न्स, उसका इनोवेशन, इंक्लूसिवनेस और डाइवर्सिटी की तरफ बढ़ रहा है। और इसके लिए मिनिस्ट्री, हमारा विभाग पूरी तरह से कमिटेड है और आप आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में
उत्तराखंड प्रदेश में 2018 से क्लोज टू 300 प्रोजेक्ट हमने दिए हैं SERB ने, और अगर आप सिर्फ पावर प्रोजेक्ट की बात करें जिसमें महिला सशक्तिकरण होना है, तो 6 पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में आए हैं लास्ट 2 साल में, और एक पावर फेलोशिप भी उत्तराखंड में आई है। तो एक ये नई सोच है, नई पहल है। हम चाहेंगे जो हमारे महिला वैज्ञानिक है, हम सारे हमारे बहुत सारे कलीग्स यहाँ उपस्थित हैं आज, तो अगले 2 दिन में आप हमसे बात करें, हमारे एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं, उनसे आप सुने किस प्रकार से प्रोजेक्ट लिखना है, कैसे आइडियाज़ को मटेरियलाइज करना है, और आप हमारे अनुभव से आप उससे सहायता लेकर के हम आपको चाहेंगे कि आप अच्छी प्रकार से प्रोजेक्ट लिख के हम लोगों से फ़ंड लेने का प्रयास करें। और ये जो कार्यक्रम है, इसके लिए मैं माननीय कुलपति महोदया का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उनकी वजह से ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। और फाइनली वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू दिस प्रोग्राम एंड इंटरेक्शन विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सभी का आभार, पर्टिकुलरली माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने समय को हमें दिया, बहुमूल्य समय को हमें दिया, और जिनकी गौरवमयी उपस्थिति हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर संदीप वर्मा जी। मैं बड़े सम्मान एवं आदर के साथ माननीय यशस्वी जनप्रिय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा कि हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करें। भारत माता की। साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार के द्वारा महिला वैज्ञानिकों को शोध एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए मैं SERB के सचिव प्रोफेसर संदीप वर्मा जी एवं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल जी व उनकी टीम को बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, सराहना करता हूँ कि आप सब लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग किया है। आपने इस कार्य के लिए हमारे प्रदेश उत्तराखंड को एक प्रीमियर विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय को चुना है अम्बेडकर चेयर के रूप में, अन्य रूपों में। तो आप सबका मैं अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं, और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आगे भी लगातार, चूँकि आप लोगों के जो भी वहाँ से जो क्राइटेरिया होंगे, उन क्राइटेरिया को हमारे राज्य में लागू किया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा। लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के, हमारा नवोदित राज्य है, हमने ये संकल्प लिया है कि जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, तो 25 वर्ष का जब हमारा राज्य होगा तो हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हों, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये यात्रा कोई किसी की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। मैं पुष्कर सिंह धामी अगर मुख्य सेवक हूँ तो ये कोई मेरी यात्रा नहीं है, मेरी निजी यात्रा नहीं है, ये हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है। पूरे उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की यात्रा है। उस यात्रा को सबको गंतव्य तक पहुँचाने के लिए सबको कदम से कदम मिलाने हैं। एक साथ हम लोग कदम ताल करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। पुनः आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए और बहुत शुभकामनाएँ देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मुख्यमंत्री महोदय, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके सार गर्वित उद्बोधन के लिए SERB के सचिव माननीय प्रोफेसर संदीप वर्मा जी को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है। सर आगे आ जाएंगे मैडम। हाँ आगे आ जाइए, आगे आ जाए, आगे से। हाँ आगे आ जाइए, इधर से आइए सर, इधर से वर्मा जी, इधर से आइए, आगे आगे से आ जाए सर। हाँ मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर संदीप वर्मा जी सेक्रेटरी हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड नई दिल्ली DST के, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम यहाँ पे संचालित हो पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनको राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि प्रोफेसर मोनिका अग्रवाल मैडम को स्मृति चिन्ह, वही मंदिर वाला, प्रोफेसर अग्रवाल मैडम, आप सबको वही लाइए। जोरदार तालियों के साथ प्रोफेसर अग्रवाल मैडम का धन्यवाद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज्य की ओर से उनको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय
मुख्यमंत्री महोदय, मैं कुलपति महोदया को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। यह अर्पण है, हम लोगों ने माननीय कुलपति महोदय ने निर्णय लिया कि राज्य की जो कला है उसको हम अतिथियों को भेंट स्वरूप प्रस्तुत करते रहेंगे, जिससे राज्य की कला भी देश और दुनिया के समक्ष और मजबूती से प्रतिस्थापित होगी। प्रोफेसर उमेश बानकर जी अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में कार्य करने के बाद आज अपनी कंपनी संचालित कर रहे हैं IPR के लिए। माननीय कुलपति महोदया विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए प्रोफेसर उदय मेहत्रा जी को मेहत्रा साहब को हम लोग अगले सत्र में सुनेंगे। महान वैज्ञानिक एवं ख्यातिलब्ध शिक्षाविद प्रोफेसर SP सिंह साहब को हमारे आदर्श हैं। प्रोफेसर SP सिंह साहब अपने बीच पाकर के हम लोग ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदया। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु डॉक्टर मोनिका अग्रवाल जो वैज्ञानिक F हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड नई दिल्ली उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे सभी अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने हैं तो आमंत्रित हैं। धन्यवाद सर्वप्रथम मैं SERB की ओर से श्री पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के प्रति महिला वैज्ञानिकों के लिए दिस कार्यशाला और नित्यानंद हिमालयन रिसर्च एंड स्टडी सेंटर का उद्घाटन करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मैं प्रोफेसर संदीप वर्मा जी जिन्होंने दून विश्वविद्यालय में इस कार्यशाला के आयोजन करने के लिए दून विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी देने में समय नहीं लिया और कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की को धन्यवाद देती हूँ। मैं इस अभूतपूर्व कार्यशाला के आयोजन के लिए अविश्वसनीय सहयोग समर्थन उत्साह और सकारात्मक अभिविन्यास के लिए प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी की आभारी हूँ। मैं श्री नरेश बंसल जी को उनकी उपस्थिति और इस समारोह में भाषण के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। मैं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रोफेसर उदय मेहत्रा डॉक्टर उमेश बी बानकर डॉक्टर मधु दीक्षित डॉक्टर अनन्या मुखर्जी डॉक्टर संजय बत्रा और डॉक्टर रामानुज नारायण को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कार्यशाला में अपना कीमती समय दिया। मैं अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री को भी इस कार्यशाला में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं श्रीमती अपने सहयोगी श्रीमती मधु बदावन सिन्हा और श्री डॉक्टर शिवमोहन सिंह को भी इस कार्यशाला में आयोजन के लिए उनके असाधारण समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं श्री युद्धवीर सिंह जी को भी उनकी उपस्थिति के लिए आभार प्रकट करती हूँ। मैं उन सभी को बहुत सम्मानपूर्वक धन्यवाद देती हूँ जो उत्तरांचल उत्थान परिषद से जुड़े रहे हैं और इस समारोह में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। उनकी उपस्थिति से हिमालय के ऋषि स्वर्गीय डॉक्टर नित्यानंद जी का नाम अमर हो गया है। डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन रिसर्च एंड स्टडी सेंटर नाम का ये केंद्र हमेशा नित्यानंद जी के सपनों को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अंत में मैं दून विश्वविद्यालय के कुलसचिव उप पंजीयक और वित्त अधिकारी उनके कार्यालय के कर्मचारियों तकनीकी टीम को बिना किसी रुकावट के इस समारोह का संचालन करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इतना सुंदर केंद्र बनाने के लिए मैं बिटकुल को भी धन्यवाद देती हूँ। SERB DST की ओर से छात्र युवा शोधकर्ता जिनके लिए हम सब यहाँ हैं मेरे द्वारा धन्यवाद दिया जाता है। मैं दून यूनिवर्सिटी के सभी संकाय सदस्यों और छात्रों को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं यहाँ मौजूद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद देती हूँ एवं अन्य उपस्थित सभी साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।